इस वीडियो में मैं आपको चार ऐसे बिजनेस आइडियाज बताने वाला हूँ जिनको आप एज ए सोलोप्रीनियर शुरू कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने ये वर्ड जरूर सुना होगा, आजकल मार्केट में बहुत चल रहा है। वैसे अगर आपने नहीं सुना तो मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ, सोलोप्रीनियर उस इंसान को कहा जाता है जो लोग अपने बिजनेस को अकेले रन करते हैं। सो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको चार ऐसे बिजनेस आइडियाज बताने वाला हूँ जिनको रन करने के लिए आपको बड़ी टीम को हायर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप अकेले उन बिजनेस को मैनेज कर पाएंगे और महीने के आसानी से 30,000 रुपए से लेकर 1,00,000 रुपए तक कमा पाएंगे। अब दोस्तों, मैं आपको उन चारों बिजनेस आइडियाज के बारे में बताऊं, उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे जरूर ये बताना कि आपको इन चारों में से कौन से बिजनेस के ऊपर डिटेल में डेडिकेटेड वीडियो चाहिए। क्योंकि देखिए, इस वीडियो के अंदर तो हम चारों बिजनेस आइडियाज के बारे में शॉर्ट में बात करेंगे ताकि वीडियो बहुत लंबा ना हो जाए और आपका ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो, तो कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताना और साथ ही साथ में वीडियो को भी लाइक कर देना। चलिए दोस्तों, फटाफट देख लेते हैं वो चारों बिजनेस आइडियाज कौन से हैं। सबसे पहला बिजनेस आइडिया पानी से रिलेटेड है। देखिए दोस्तों, अगर आप आज से 25-30 साल पहले देखेंगे तो पानी फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल जाता था, लेकिन आज के टाइम में सिचुएशन ऐसी है कि अगर आप 1 लीटर पानी खरीदने जाते हैं तो आपको 20 रुपए खर्च करने पड़ते हैं। अब जरा सोच के देखिए, ये जो 1 लीटर पानी की बॉटल है, क्या इसको बनाने का 20 रुपया कॉस्टिंग पड़ता होगा? आंसर इज नो। 1 लीटर पानी को फिल्टर करने के लिए या फिर प्यूरिफाई करने के लिए मैक्सिमम 1 या 2 रुपए का कॉस्टिंग पड़ता है, फिर भी ये 20 रुपए में बिकती है। सो दोस्तों, यहीं पे हमारी बिजनेस अपॉर्चुनिटी छुपी हुई है। हम सिंपली क्या कर सकते हैं, लोगों को कम बजट में पानी प्रोवाइड कर सकते हैं, इससे उनका भी फायदा होगा और हम भी पैसे कमा पाएंगे। अब ये पॉसिबल कैसे होगा? सो देखिए, इसके लिए आपको एक मशीन खरीदनी होगी जिसे कहा जाता है वाटर ATM वेंडिंग मशीन। दोस्तों, आपको सिंपली इस मशीन को सही जगह पे इंस्टॉल कर देना है, उसके बाद में कस्टमर खुद आएंगे, पानी लेंगे और आप पैसे कमाते जाएंगे। और दोस्तों, इस बिजनेस की सबसे खास बात क्या है, एक बार आपने मशीन इंस्टॉल कर दी उसके बाद में आपको एम्प्लॉय छोड़ने की जरूरत नहीं है। सुबह सुबह एक बार आप चेक कर सकते हैं मशीन में पानी है कि नहीं है, दैट्स इट, आपका काम खत्म हो जाएगा और उसके बाद में मशीन आपको पैसे बनाकर देती रहेगी। अब दोस्तों, आप कितने पैसे कमा सकते हैं, चलिए उसका भी एक सिंपल सा कैलकुलेशन कर लेते हैं। देखिए, इस मशीन के अंदर 1 लीटर पानी को फिल्टर करने के लिए आपका मैक्सिमम कॉस्टिंग जाएगा 1 रुपया, या बहुत ज्यादा पकड़ लूं तो जाएगा 2 रुपया। अब मान लीजिए 2 रुपए के अंदर 1 लीटर पानी को फिल्टर कर दिया गया है, सो इस मशीन में आप कितने में बेच सकते हैं वो मैं आपको बताता हूं। देखिए, 200 ml से लेकर 250 ml जो पानी होता है वो आप 2 रुपए में सेल कर सकते हैं, और अगर कोई पूरा 1 लीटर पानी लेना चाहते हैं तो आप 5 रुपए में सेल कर सकते हैं। मतलब दोस्तों, 1 लीटर पानी जो आपने 2 रुपए के अंदर फिल्टर किया उसके ऊपर आपको कम से कम 3 रुपए का प्रॉफिट तो होगा ही होगा। अब मान के चलिए, एक मशीन से आप रोजाना का 500 लीटर पानी सेल करते हैं तो आप 1500 रुपए रोज का कमा सकते हैं और महीने का हो जाएगा 45,000 रुपए। अब अगर आपको लग रहा है कि दिन में इतना पानी नहीं बिकेगा, 200 लीटर बिकेगा, तो उसके हिसाब से भी आप महीने का 18,000 रुपए कमा सकते हैं। और मान लीजिए आपने ऐसे 2-3 इंस्टॉल कर दिए तो महीने का कितना पैसा कमा पाएंगे आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन एक चीज कहना चाहूंगा, इस बिजनेस को शुरू करने से पहले आपको रिसर्च करनी होगी कि कहां कहां पे ये मशीन इंस्टॉल की जा सकती है। देखिए, आप इसे इंस्टॉल कर सकते हैं किसी रेलवे स्टेशन के पास, किसी बस स्टॉप के पास, या फिर किसी टूरिस्ट प्लेस पे भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं। आपको एक चीज फाइंड आउट करनी है कि वहां पे आने जाने वाले लोग बहुत सारे होने चाहिए ताकि कम से कम 200 लीटर से लेकर 500 लीटर रोजाना का पानी बिकना चाहिए। अब दोस्तों, अगर आप ये जानना चाह रहे हैं कि मशीन कितने की आती है तो मैं आपको बता देता हूं। देखिए, कम से कम ये 50,000 रुपए की आएगी और मैक्सिमम 5,00,000 रुपए तक की मशीन आती है। सो आप अपने बजट के हिसाब से और कहां पे आप इस मशीन को इंस्टॉल करें उसके हिसाब से मशीन खरीद सकते हैं। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल के हिसाब से बताऊं, एक मशीन का प्राइस है लगभग 1.5 लाख रुपए के आसपास, उसकी स्टोरेज कैपेसिटी होती है 100 लीटर की, और एक मशीन है जिसका प्राइस है 3,85,000 रुपए, उसकी स्टोरेज कैपेसिटी है 1,000 लीटर की। अब दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आप किसी ऐसी जगह पे इंस्टॉल करने वाले हैं जहां पे 100 लीटर के ऊपर पानी पूरे दिन में बिकेगा नहीं, तो आप पहली मशीन खरीद सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि ज्यादा पानी बिक सकता है तो उस केस में आपको सेकंड मशीन खरीदनी चाहिए। सो दोस्तों, मेरा सजेशन होगा, अगर आप ये बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपना बजट देखिए, कहां पे इंस्टॉल करने वाले हैं वो देखिए, और उसके अकॉर्डिंगली मशीन खरीद कर आप ये बिजनेस शुरू कर सकते हैं। दूसरा बिजनेस आइडिया एक ऐसा बिजनेस आइडिया है जिसे आप 0 इन्वेस्टमेंट में शुरू कर सकते हैं, एंड ट्रस्ट मी, अगर आप 100% एफर्ट लगाएंगे तो आप पहले महीने से 50,000 रुपए या उससे ज्यादा भी कमा सकते हैं। सो दोस्तों, वो बिजनेस है POSP का। अब आप सोच रहे होंगे ये POSP क्या होता है? सो देखिए, इसका मतलब होता है पॉइंट ऑफ सेल पर्सन। इसमें आप हर तरीके के इंश्योरेंस सेल कर सकते हैं, जैसे कि बाइक इंश्योरेंस, कार इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस वगैरह वगैरह। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि इंश्योरेंस सेल करना है मतलब डोर टू डोर घूम घूम कर लोगों को कन्विंस करना होगा, तो मैं आपको बता दूं, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। आपको सिर्फ स्मार्टफोन से सारी चीजों को मैनेज करना होगा। वैसे दोस्तों, अब इंडिया में लोगों को इंश्योरेंस की इंपॉर्टेंस पता चल रही है, जैसे बाइक और कार के लिए इंश्योरेंस लेना कंपलसरी होता है, वैसे ही कोविड के बाद में अब लाइफ इंश्योरेंस लेना भी बहुत जरूरी हो गया है। आप खुद जानते होंगे, कोविड ने हमें एक चीज तो सिखा दी है कि लाइफ में कभी भी कुछ भी हो सकता है, इसीलिए लोग खुद को और अपने परिवार को इंश्योर्ड रखने लग गए हैं, यानी कि इंश्योरेंस लेने लग गए हैं, क्योंकि सेफ्टी बहुत जरूरी होती है। सो दोस्तों, ये जो इंश्योरेंस की नीड मार्केट में बढ़ चुकी है, इसको आप फुलफिल कर सकते हैं और अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे, बात तो सही है, लेकिन इंश्योरेंस का काम शुरू करें तो करें कैसे? मैं बताता हूं। देखिए, एक कंपनी है जिसका नाम है इंश्योरेंस देखो, ये आपको एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रही है जिसमें आप इनके साथ जुड़कर लोगों को मल्टीपल इंश्योरेंस सेल कर सकते हैं, जैसे कि बाइक इंश्योरेंस, कार इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस वगैरह वगैरह। अब सबसे पहले जानते हैं कि इंश्योरेंस देखो है क्या। देखिए, इंश्योरेंस देखो इंडिया
इंडिया का लार्जेस्ट इंश्योरटेक प्लेटफॉर्म है जिसका 50 से भी ज्यादा इंश्योरेंस कंपनीज के साथ टाई अप है, जैसे कि आईसीआईसीआई, रिलायंस, नीवा, रिलायंस नाइवा, एचडीएफसी एर्गो, आदित्य बिरला वगैरह वगैरह। इसके अलावा दोस्तों ये ऑफर करते हैं मोर देन 500 प्लान्स एंड 95% सर्विसेबल पिन कोड्स। अब देखिए दोस्तों, अगर आप इंश्योरेंस देखो के साथ जुड़ के काम करते हैं यानी कि पीओएसपी बनते हैं, तो आपको आपके कमीशन का पे आउट हमेशा टाइम पे मिलेगा, साथ ही साथ में आपको रिकरिंग इनकम का बेनिफिट भी मिलेगा। अब ये रिकरिंग इनकम क्या होता है इसको एग्जांपल के जरिए समझते हैं। मान लीजिए आपने एक कस्टमर को 10,000 रुपए की हेल्थ पॉलिसी सेल की जिसपे आपको 20% का कमीशन मिल रहा है, यानी कि आपने एक पॉलिसी सेल करके 2,000 रुपए का कमीशन कमाया। अब अगले साल उस कस्टमर को फिर से हेल्थ पॉलिसी रिन्यू करवानी पड़ेगी जिसके लिए वो आपके पास ही आएगा, यानी कि फिर से आपको 2,000 रुपए का कमीशन मिलेगा और हर साल ये साइकिल रिपीट होता जाएगा। सो इसे ही कहते हैं रिकरिंग इनकम। अब जरा सोचिए, अगर आपने एक बार मेहनत करके अपना कस्टमर बेस बना लिया, उसके बाद में आप काम करें या ना करें आपकी इनकम होती रहेगी। दोस्तों अगर मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूं तो आप 10th पास होने चाहिए और आपकी उम्र 18 साल के ऊपर होनी चाहिए। वैसे अगर आपको इंश्योरेंस सेक्टर का नॉलेज होगा तो बहुत अच्छी बात है, अगर नॉलेज नहीं है फिर भी आप ये काम शुरू कर सकते हैं, क्योंकि इंश्योरेंस देखो की तरफ से आपको कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट में ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। जो भी पेपर वर्क होगा वो पूरी तरीके से ऑनलाइन होगा। फिर भी अगर आपको काम करने में कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है तो इंश्योरेंस देखो की तरफ से आपको डेडिकेटेड रिलेशनशिप मैनेजर मिलता है, वो आपको 24/7 ऑनलाइन सपोर्ट करेगा। जैसे बैंक हमें रिलेशनशिप मैनेजर प्रोवाइड करती है, ठीक उसी तरीके से इंश्योरेंस देखो की तरफ से भी हमको डेडिकेटेड आरएम प्रोवाइड किया जाएगा। अब आप इंश्योरेंस देखो के साथ जुड़कर काम कैसे शुरू कर सकते हैं, चलिए वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, आपको 3 सिंपल स्टेप्स को फॉलो करना होगा। सबसे पहले इंश्योरेंस देखो ऐप को डाउनलोड करना है, फिर अपना अकाउंट क्रिएट करना है, उसके बाद में केवाईसी अपडेट करना है, देन आपको कंपनी की तरफ से ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी। इंश्योरेंस देखो की तरफ से वैसे आपको सब कुछ प्रोवाइड किया जाता है, जैसे कि प्रोडक्ट, प्लेटफॉर्म, मार्केटिंग पोस्टर और टेक्नोलॉजी। बस धंधा लाने की जिम्मेदारी आपकी होगी लाइक एनी अदर बिजनेस। सो दोस्तों, अगर आप भी हाउसवाइफ हैं, रिटायर्ड पर्सन है, जॉब पर्सन है, या फिर आप अपना खुद का बिजनेस शुरू करके एक्स्ट्रा अर्निंग करना चाहते हैं, तो आप इंश्योरेंस देखो के साथ जुड़कर काम शुरू कर सकते हैं और अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। बस यहाँ पे मैं आपको एक चीज क्लियर करना चाहूंगा, आपको किसी भी प्रकार का कोई भी टारगेट नहीं दिया जाएगा, आपको अपने हिसाब से काम करना होगा। सो आप जितना ज्यादा काम करेंगे उतना ही ज्यादा प्रॉफिट जनरेट कर पाएंगे। सो आप डेडिकेटेडली भी इसे एज अ बिजनेस कर सकते हैं और अपने पार्ट टाइम में भी इनके साथ जुड़कर एक्स्ट्रा अर्निंग का एक सोर्स जनरेट कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अभी जाइए उस पर क्लिक कीजिए और इंश्योरेंस देखो के साथ काम करके अच्छे खासे पैसे कमाइए। तीसरा बिजनेस आइडिया जिसे आप अकेले शुरू कर सकते हैं वो है फ्लोर पेंटिंग का बिजनेस। अब दोस्तों, फ्लोर पेंटिंग का मतलब ये नहीं कि आपको मैन्युअली पेंटिंग करनी होगी। मार्केट में एक ऐसी मशीन आती है जिसकी मदद से आप फ्लोर पे कोई भी डिजाइन प्रिंट कर सकते हैं। आपको सिंपली क्या करना होता है, लैपटॉप को उस मशीन के साथ कनेक्ट करना होता है, उसके बाद में कमांड देते हैं और जिस भी डिजाइन का आपने कमांड दिया होगा उसको फ्लोर के ऊपर प्रिंट किया जा सकता है। इसके अलावा दोस्तों, ऐसी मशीन भी आती है जिसकी मदद से आप फ्लोर पेंटिंग तो कर ही सकते हैं, साथ ही साथ में वॉल पेंटिंग भी कर सकते हैं। सो अगर आपको चाहिए तो आप वो मशीन भी खरीद सकते हैं या फिर सिंपली फ्लोर पेंटिंग वाली मशीन भी खरीद सकते हैं। अब दोस्तों, आप कहेंगे हम मशीन तो खरीद लेंगे लेकिन हम इस मशीन का करेंगे क्या, काम कहां से मिलेगा? सो दोस्तों, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, आज के टाइम में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपने घर को रिनोवेट करवाते वक्त, अपने ऑफिस को रिनोवेट करवाते वक्त किसी पर्टिकुलर दीवार को हाईलाइट करना चाहते हैं या कोई पर्टिकुलर डिजाइन बनाना चाहते हैं, तो ऐसी मशीन की जरूरत पड़ती है। आपकी स्क्रीन के ऊपर आप जो डिजाइन देख पा रहे हैं इसको भी इसी मशीन की मदद से बनाया गया है। अब दोस्तों, ये एग्जांपल तो मैंने आपको दे दिया वॉल प्रिंटिंग का, अब बहुत सारे लोग फ्लोर प्रिंटिंग भी करवाते हैं। वो कहां कहां पे होता है वो भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए, जहां कहीं पे भी कोई इवेंट होता है या फिर कोई सेमिनार होता है या बहुत सारे लोगों की गैदरिंग होती है, तो वहां पे फ्लोर के ऊपर जब भी कोई डिजाइन बनाना होता है तो ऐसी मशीन की जरूरत पड़ती है। सो दोस्तों, अगर आप बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं तो सिंपली इस मशीन को खरीद सकते हैं और अपने आसपास में ऑर्डर लेके उनको फुलफिल कर सकते हैं और अच्छा पैसा कमा सकते हैं। वैसे आपको बता दूं, ये मशीन आती है लगभग 6 लाख रुपए के आसपास, लेकिन आपको एक ही बार इन्वेस्टमेंट करना होगा, उसके बाद में जब तक ये मशीन आपके पास रहेगी आप अच्छा पैसा कमा पाएंगे। अब अगर आप में से किसी के मन में ये डाउट आ रहा है कि मशीन इतनी बड़ी है इसको कैसे ले जाते होंगे, तो मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, ये मशीन दिखने में बड़ी लगती है लेकिन इसको आप छोटा कर सकते हैं और उसके बाद में कहीं पे भी इसको कैरी किया जा सकता है। सो अगर आपको चाहिए तो ये बिजनेस भी शुरू किया जा सकता है। अगर आपको डिटेल में डेडिकेटेड वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताना, मैं वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा। चौथा बिजनेस आइडिया पैकेजिंग से रिलेटेड है। दोस्तों, क्या कभी आपने ऐसा एक्सपीरियंस किया है कि आपने ऑनलाइन किसी सामान को मंगाया और जब वो सामान आया आपने उसे ओपन किया तो उसके अंदर से इस प्रकार की चीज निकली जो कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं? अगर आपका आंसर है हाँ, तो आप इसी चीज का बिजनेस शुरू कर सकते हैं और अच्छे पैसे कमा सकते हैं। देखिए दोस्तों, जब से इंटरनेट आया है ऑनलाइन बिजनेस करने वालों की संख्या भी बढ़ती जा रही है और जैसे जैसे ऑनलाइन बिजनेस करने वालों की संख्या बढ़ रही है पैकेजिंग इंडस्ट्री भी ग्रो करती जा रही है और आजकल प्रोडक्ट की पैकेजिंग में इस प्रकार की चीजों का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। सो दोस्तों, अगर आप ये बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले आपको डिसाइड करना होगा आप किस प्रकार का पैकेजिंग मटेरियल बनाकर बेचना चाहते हैं, क्योंकि देखिए मार्केट में आपको अलग अलग प्रकार की श्रेडर मशीन मिलती है। कुछ मशीन ऐसी होगी जो चीजों को पतला पतला काट देगी, कुछ मशीन ऐसी होती है जो इस प्रकार जालीदार बनाती है। सो आप किस प्रकार की बनाकर बेचना चाहते हैं उसके हिसाब से आपको मशीन खरीदनी होगी। जैसे अगर आप इस प्रकार का जालीदार बनाना चाहते हैं तो ये आप कार्डबोर्ड पेपर की मदद से बना सकते हैं। जो कार्टन के बॉक्सेस होते हैं वो वेस्ट हो जाते हैं तो उनसे इसको बनाया जाता है। तो आपको सिंपली क्या करना
करना होगा अपने आसपास में जो भी भंगार वाले होंगे, जो रद्दी वाले होंगे, उनसे आपको किलो के हिसाब से कार्डबोर्ड पेपर को लेके आना है और उसके बाद में इस मशीन की मदद से श्रेड करना होगा और उसे आप मार्केट में सेल कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं, इस बिजनेस के अंदर आपको 50% से लेकर 100% तक का प्रॉफिट मार्जिन मिल सकता है। देखिए, अगर आप भंगार वाले से खरीद के लाएंगे तो किलो के हिसाब से आपको मिलेगा और उसका प्राइस होगा लगभग 20 या 22 रुपए के आसपास, और इसी को श्रेड करके आप मार्केट में आसानी से 35 रुपए से लेकर 40 रुपए तक सेल कर सकते हैं। अगर आपको ऑन एन एवरेज 1 किलो के ऊपर 10 रुपए का प्रॉफिट भी बचता है और दिन में आपने 100 किलो भी बेच दिया तो आप 1000 रुपए तो ऐसे ही कमा सकते हैं। और दोस्तों, इस पर्टिकुलर बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको बहुत सारे लोगों को हायर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप अकेले भी ये काम कर सकते हैं और अच्छा पैसा कमा सकते हैं। अब दोस्तों, अगर आपके मन में ये डाउट आ रहा है कि मान लो मैं बिजनेस शुरू कर देता हूं तो इस चीज को बनाकर मैं बेचूंगा कहां पे, अगर दोस्तों आपको इसके बारे में डिटेल में जानना है तो जब मैं इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर पूरा ब्रीफ में वीडियो बनाऊंगा, मतलब डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, तब मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। अगर आपको वो वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, कमेंट करके ये भी बताइएगा इन चारों में से कौन सा बिजनेस आइडिया आपको सबसे अच्छा लगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर और जान पहचानों के साथ शेयर कीजिए, ताकि अगर वो भी बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं तो इन चारों में से किसी भी बिजनेस को वो अकेले शुरू करके अच्छा पैसा कमा पाए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में फिर नए कमाने के तरीकों के साथ।